क्या कहती है ये बिग बैंग? बिग बैंग ये कहता है कि आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले कुछ हुआ था, क्या हुआ था वो एक बार एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पर 13.8 बिलियन ईयर्स पहले नो स्पेस नो टाइम नो मैटर नो एनर्जी, ना एनर्जी थी ना मैटर था ना टाइम था ना स्पेस, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो क्या था फिर? उनका कहना यह है कि उस टाइम पर एटम से भी छोटे साइज का कुछ था, एटम से भी छोटे साइज का कोई पार्टिकल था, पार्टिकल था। ठीक है, ओके। अब कोई पार्टिकल कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहेगा इसके बाद पार्टिकल्स बनने शुरू होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पर आप ये याद रखेंगे कि एक पॉइंट था, इसलिए इस पॉइंट का नाम डाला गया उस टाइम पर सिंगुलैरिटी। इस पॉइंट का नाम है सिंगुलैरिटी। ये एक चीज थी जो थी सिंगुलैरिटी। क्या था ये सिंगुलैरिटी? इस सिंगुलैरिटी के अंदर सारी की सारी एनर्जी और सारा का सारा मास ट्रैप था। इतने छोटे साइज की चीज में इतनी एक्सेस एनर्जी होगी, तो सोचो वो कितना डेंस होगा। तो वेरी हाई एनर्जी डेंस स्पॉट, वेरी हाई एनर्जी डेंस स्पॉट वाज अ सिंगुलैरिटी। ठीक है, इसी को कहा गया है सिंगुलैरिटी। क्या होना शुरू हुआ, आराम से सारी बातें समझना, क्या होना शुरू हुआ इस टाइम पर? बिग बैंग जैसा कुछ हुआ नहीं था, याद रखना, नो नथिंग लाइक दैट, बैंग टाइप ऐसा कुछ नहीं था। बिग बैंग इसको इसलिए कहा जाता है कि इसका एक्सपेंशन बहुत रैपिडली हुआ, इसका एक्सपेंशन बहुत रैपिडली हुआ। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितना रैपिडली हुआ, उतना रैपिडली इसका एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एकदम से इसका साइज बढ़ना शुरू हुआ, एकदम से इसका साइज बढ़ना शुरू हुआ। तो एकदम से क्या होता है, इसका साइज बहुत ही रैपिडली बढ़ता है। और टाइम स्केल्स पता कैसे होंगे? और टाइम स्केल्स कुछ ऐसे होंगे, 10^-35 सेकेंड, 10^-25 सेकेंड, 0.00001 सेकेंड, 0.0001 सेकेंड, 1 सेकेंड, फिर आएंगे हम 1 सेकेंड। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा 1 सेकेंड तक आते आते, मतलब टाइम नहीं लगेगा 1 सेकेंड तक आते आते वो बहुत कुछ जाएगा, समझ ही नहीं आएगा किसी को कि हो क्या रहा है। ठीक है, होगा क्या वो सुनो, उसके सबसे पहले होगा इस सिंगुलैरिटी का एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होने की वजह से क्या हुआ, एनर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, एनर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई। ठीक है, एंड एनर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज एंड एनर्जी रिलीज। सबसे पहले यहाँ पर 10^-35 सेकंड जो है इसी स्केल पर सबसे पहले एक पार्टिकल बना जिसे बोसन पार्टिकल कहा गया, बोसन पार्टिकल। सबसे पहले क्या बना? बोसन पार्टिकल।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जैसे ही ये बिग बैंग हुआ, मैंने बोला एनर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है एंड एनर्जी रिलीज हुई है, तो लाइट एनर्मस अमाउंट ऑफ हीट अगर निकलेगी तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट तो निकलेगी है ना। yes. तो सबसे पहले शुरुआत किसकी हो रही है, फोटोन, फोटॉन्स। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, व्हाट इज फोटोन, आपको समझना होगा फोटोन क्या होता है। देखिए दिस इज न्यूट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बनता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है और इसको कहते हैं एटम, इसको कहते हैं एटम। व्हाट इज दिस एटम, यानी कि इलेक्ट्रिकली बैलेंस एटम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। ये एटम न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन, बट इट इज न्यूट्रल एटम, एटम न्यूट्रल है भाई। हर एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए एक दूसरे के ऊपर सेम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनका स्टेट मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूम पा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूम क्यों पा रहे हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन सारे सेंटर से ना टेक रहे हैं प्रोटोन वाल, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स अपना सर्कल मेंटेन किए हुए हैं, इनको कहते हैं शेल, दिस इज इलेक्ट्रॉन शेल। और सेल दे विच जिहड़े इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड नहीं होता, एक सिस्टम होता है, इस शेल च अठ दो रहने हैं, इस सेल दे विच अठ रहने हैं, और इन्हें टेंडेंसी है अठ की जगह छे है, तो ये टेंडेंसी है उन्होंने अठ च मेंटेन करूंगा, क्योंकि वो मंगने पैन मंगूगा कोई कितने नहीं जा सकते, बस उन्हें इधर उधर लेने पड़ने, ठीक है। ताली करके शेल बने हैं ना, जेटा आ शेल ना ये दो इलेक्ट्रॉन ने दो रहने हैं, ये इतने नहीं जा सकते, ये इतने नहीं जा सकते, सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने शेल से घूम गए, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, ठीक है। जिन्हें इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन ना, बस यही याद रखना है। और होंगे की है, सुनो ध्यान दे, सपोजिटली ए एक एटम, बी है एक एटम, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन होंगे दो बॉलों लगी छले, उन्होंने दो बॉलों दो छलिया जोड़ने का तरीका कि उन्होंने विच की कड़ी, कड़ी में जोड़ देना ना, तो दो एटम्स में जोड़न का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दो एटम्स के जी बॉन्डिंग बनाते हैं कौन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपने अपने शेल से रहे, हाँ अपने अपने शेल के इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या ये इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक दूसरे की जरूरत पूरी करनी है, कहने का मतलब इन्होंने जो संबंध है रिश्तेदारी है वो इन्हों की वजह ना ये मिलनसार इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रिलेशनशिप इलेक्ट्रॉन की वजह ना बनता, ठीक है। ये होंगे एटम, ठीक है। जो एटम्स मिलते हैं बनते हैं मॉलीक्यूल्स, याद रख, और डिफरेंट डिफरेंट मॉलीक्यूल्स मिला के बना देने आप कंपाउंड, याद रख। एलीमेंट डिफरेंट डिफरेंट एटम तो सू डिफरेंट डिफरेंट एलीमेंट का पता लगता है, ये है इन बेसिक नॉलेज, ठीक है। लेकिन इससे अलग होती है एक चीज, सुनने में ऐसी भी वैसी लगती है लेकिन दैट इज टोटली डिफरेंट, दिस इज प्रोटोन, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज फोटोन, नो चार्ज, ठीक है। प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज, फोटोन नो चार्ज, दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। देन व्हाट इज फोटोन एंड व्हाट इज प्रोटोन, देखिए याद रखिएगा एक बात, प्रोटोन में अपना एक मास होता है, दैट इज रेस्ट मास, रेस्ट मास, रेस्ट मास क्या होता है सर, इसमें प्रोटोन में, प्रोटोन में अपना एक मास मास होता है, दैट इज रेस्ट मास। व्हाट इज रेस्ट मास, अगर इन्नी हाइट के हिम्मत है सानू इन्नी नजर बनेगा कि सानू देख रहा तो प्रोटोन में फट के इतने बैठा दो, मतलब कुछ है चीज अपनी मास है, ठीक है। वट इज एटम, एटम एटम का मतलब ये है वो चीज़ जड़ी इनडिविजिबल है,
ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਨਡਿਵਿਜ਼ਿਬਲ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਲੇਟਰ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਐਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਆਰਕਸ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਆਰਕ, ਬਟ ਐਟਮ ਦਾ ਲੇਟਰ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਇਨਡਿਵਿਜ਼ਿਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਆ ਘੜੀ, ਟਿਊਬਲਾਈਟ, ਪੱਖਾ, ਪੱਥਰ, ਮਿੱਟੀ, ਕੁਰਸੀ, ਚੇਅਰ, ਮੋਬਾਈਲ, ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ, ਮਾਰਕਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਟਮ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ? ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਸ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ। ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸ। ਉਹ ਮਾਸ ਐਟਮ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ, ਰੈਸਟ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂਗੀ, ਰੁਕੂਗੀ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੋ ਰੈਸਟ ਮਾਸ, ਨੋ ਰੈਸਟ ਮਾਸ, ਓਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨੋ ਰੈਸਟ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਬ ਜਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀਲੀਅਮ ਮੇਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਗਾ, ਜਬ ਜਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀਲੀਅਮ ਮੇਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਗਾ, ਤਬ ਤਬ ਲਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਲਾਈਟ ਕੀ ਫੋਰਮ ਮੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਤਬ ਤਬ ਵੋ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੈ ਵੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਵੋ ਲਾਈਟ ਕਾ ਨਾਮ ਹੋਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਲਾਈਟ ਕਾ ਨਾਮ ਹੋਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਵਰਡ ਫੋਟੋਨ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਵਰਡ ਫੋਟੋਨ? ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਜਬ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਕੀ ਗਈ ਤੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ, ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ, ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਸੇ ਵਰਡ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕੁਆਂਟਮ। ਕੁਆਂਟਮ ਔਰ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਕਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਆ ਹੈ? ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ। ਵਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਫੀਅਰ, ਵਨ ਟੂ ਥ੍ਰੀ ਫੋਰ, ਵਨ ਟੂ, ਵਨ ਟੂ ਥ੍ਰੀ, ਥ੍ਰੀ ਫੋਰ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਨ ਟੂ ਥ੍ਰੀ ਫੋਰ। ਤੋ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਮ, ਔਰ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਕਾ ਨਾਮ ਡਾਲਾ ਗਿਆ ਫੋਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਟੋਨ ਮਨੇ ਵੋ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ, ਫੋਟੋਨ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ, ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ। Now, why this is discrete? Why this is discrete? This is discrete because iske production hone ka jo reason hai, wo reason hai conversion of hydrogen, conversion of hydrogen into helium. Aapki observation mein nahi aayega, lekin इस प्रोसेस को प्रोसीड होने में समय लगता है। चूंकि ये डिस्क्रीट मैनर में होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, उसी डिस्क्रीट मैनर में लाइट क्रिएट होती है। इसलिए जब जब ये और जितने जितने ये कन्वर्ट होंगे, तब तब और उतना उतना फोटोन पैदा होगा, इसलिए फोटोन पैकेट्स में मूव करते हैं, ठीक है, नहीं बस समझ में। But their flow is very, 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 very continuous. That's why I am a continuous light field. ठीक है? नहीं बात समझ में? इसमें बहुत सारी चीजों का रोल है, हमारी आंखों का रोल है। हमारी आंखों में कोई भी इमेज 1/16 सेकंड तक प्रिवेल करती है। जब हम अपनी हमने कोई चीज देखी, देखी कोई चीज, अगर हमने वो चीज जो देखी है आंख बंद करने के बाद हटाने के बाद 1/16 सेकंड तक हमारी आंखों में प्रिवेल करेगी, परसीव करेगी। तो इसीलिए एक सेकंड के अंदर अगर 60 इमेजेस इकट्ठी दिखा दो 1/1, तो हमें मूविंग पिक्चर दिखती है, जैसे सिनेमा, ठीक है, सिनेमा ऐसे ही दिखता है। दिस इज इफेक्ट
ऑप्टिक्स ओके। सो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, उसके फलस्वरूप लाइट पैदा होती है, उस लाइट को हमने नाम दिया है फोटोन, और ये जो फोटोन है हमें एक्यूमुलेट होकर के मिलते हैं। उसका रीजन ये है कि लाइट क्रिएट कहाँ से होती है, सन से। लाइट क्रिएट कहाँ होती है, सन पे। अब आपसे कोई पूछे सन में फोटोन कहाँ क्रिएट होते हैं, कोर में, क्योंकि कोर में हाइड्रोजन हीलियम कन्वर्ट हो रहा है। और कोर से सरफेस तक आने में फोटोन को कितना टाइम लगता है, 40,000 ईयर्स, 40,000 ईयर्स। कोर से सरफेस तक आने में फोटोन को कितना टाइम लगता है, 40,000 ईयर्स, क्योंकि कोर तक, कोर से सरफेस तक आने में जो हाइड्रोजन एटम है, जो हीलियम एटम है, वो इन फोटोन्स को कभी कंज्यूम करते हैं, कभी एमिट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के हाथों में खेलते रहते हैं, क्योंकि रास्ते में हर एक इंसान लाइट का यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इफ दिस इज सन, दिस इज कोर, यहाँ से फोटोन निकला तो ये कैसे मिलेगा हमें, ये मिला। अब अर्थ क्या है, तो दिस पैसेज इज, दिस इज ड्रंकन बॉल और ड्रंकन पैसेज, जैसे किसी ने दारू पी, दिस इज ड्रंकन पैसेज और ड्रंकन बॉल। तो इतनी जर्नी करने में 40,000 साल लगते हैं, यानी कि सन की जो लाइट हम देख रहे हैं वो 8 मिनट और 3 सेकंड में तो आ रही है, लेकिन वो खुद पीछे 40,000 साल का समय तय कर रही है। तो आप जो लाइट देख रहे हो वो 40,000 साल और 8 मिनट और 3 सेकंड वाली पुरानी, ठीक है बेटा, फर्स्ट हैंड चीजें ओके। तो फोटोन वो चीज है जो लाइट है, इट इज अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, फोटोन इज अ बीम ऑफ लाइट, इसका कोई रेस्ट मास नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ चलते हुए महसूस किया जा सकता है। आप कहोगे रोक के फील कर लूं, तो नहीं, ठीक है। इसकी क्या होती है, अब आपका प्रश्न ये खड़ा हो सकता है, अगर आप लोगों में इतना दिमाग हो, कि जब इसमें मास नहीं है तो क्या इसमें एनर्जी होगी, क्योंकि हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं हाई एनर्जी फोटोन, तो जिस चीज में मास नहीं है एनर्जी किधर से है, इसकी एनर्जी होती है ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीम ऑफ लाइट, ओके। हाई एनर्जी हाई मास, लो एनर्जी लो मास, तो जैसे ही लो एनर्जी लाइट क्रिएट हो रही है तो वो बहुत बहुत डिम दिखती है ना आपको, क्यों, क्योंकि फोटोन जो है वो ट्रेवल ही नहीं कर पा रहा, और रुका हुआ, रुकी हुई फोटोन जैसी कोई चीज है नहीं, जब तक फ्लो करेगा तभी दिखेगा, तभी ऑब्जर्व होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ओके। तो इसकी एनर्जी इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो अब हुआ क्या, सबसे पहले जब विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट कहा जाता है, बिग बैंग हुआ, तो सबसे पहले जन्म हुआ फोटोन और बोसन पार्टिकल्स का, ठीक है, फोटोन का जन्म हुआ बोसन पार्टिकल का, लेकिन अभी तक यूनिवर्स ओपेक है, यूनिवर्स अंधा, ब्लैक दिख नहीं रहा, व्हाइट। ये कितने टाइम में हो रहा है, 10.35 10-25 टाइम देख रहे हो ना, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये इतने के टाइम में सब हो रहा है, फोटोन बोसन पार्टिकल, बस इतने ही टाइम में, थोड़े में ही अब जन्म हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जन्म हो गया, क्यों, बिग बैंग के होने के बाद ही, जैसे कि बहुत बड़ी गर्म चीज फूटी है नेचुरली वो कूल डाउन होगी, टेम्परेचर डाउन आएगा ना उसका, तो जब ये फूटा था ये बहुत गर्म था, तो जब चीज जितनी ज्यादा गर्म होगी उसमें उतनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी, उतना कम सेटल्ड होगा, हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी, पढ़ा है सबने, बहुत हाई अनस्टेबिलिटी थी, क्योंकि एनर्जी बहुत